शिंदे बार बार दबाव डाल रहे हैं कि उनको सीएम बनाया जाए, इस पर आपकी सहमति है क्या? नहीं, ये तो मैं आपसे ही सुनता हूँ। ठीक है, अभी तक उन्होंने हमें या और किसी को कहा है कि मुझे सीएम बनाओ, ये मुझे मालूम नहीं। मगर एक बात है कि वहाँ जो अंडरस्टैंडिंग है तीनों पार्टी में, इसमें शिवसेना के पास मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, जबकि सीएम एनसीपी के पास है, और इन्फॉर्मेशन बाकी जो मंत्रालय है इसकी जिम्मेदारी सरकार के कांग्रेस के ऊपर है। जहाँ तक बीजेपी में कुछ बदलाव करना या किसी को वहाँ मौका देना, वो उनका इंटरनल इशू है, जो शिवसेना की लीडरशिप इस पर जो कुछ तय करेंगे इसके साथ हम रहेंगे। मगर मुझे पूरा विश्वास है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व पर वहाँ जो गवर्नमेंट चल रही है इसमें कोई बदलाव करने की आवश्यकता हमें लगती नहीं। सर, लेकिन एकनाथ शिंदे, जेपी नड्डा और अमित शाह को भी मिलने वाले हैं आज, कौन किसको मिलने वाला है, हम कैसे कहेंगे? सर, कल के एमएलसी इलेक्शन में 134 विधायकों का समर्थन बीजेपी को प्राप्त हुआ है। जिस पार्टी के मुख्यमंत्री है उस पार्टी के सारे वोट भी शिवसेना उम्मीदवार को नहीं मिले हैं, क्या आपको लगता है कि ये क्रॉस वोटिंग सरकार के लिए खतरा है? ऐसे जब इलेक्शन होते हैं तो क्रॉस वोटिंग होते हैं, ये कोई आज की बात नहीं, इससे पहले 20-50 सालों में कई बार मैंने देखा है कि क्रॉस सोचिंग होता है और फिर सरकार चलती है। सर, क्या अलायंस में भी कुछ मतभेद है? सर, अलायंस में कुछ मतभेद है क्योंकि ये क्रॉस वोटिंग सामने आ रही है? नहीं, ऐसा है कि अलायंस में बिल्कुल मतभेद नहीं है। क्रॉस वोटिंग तब होते हैं कि समझो मैं कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ और मुझे कुछ दो चार वोट की कमियाँ है, तो मेरा पर्सनल कॉन्टेक्ट कहीं हो तो इस पर मैं ध्यान देता हूँ और इसमें कुछ न कुछ वोट कैसे मुझे मिलेंगे इस पर मेरा ध्यान होता है, इससे कुछ क्रॉस वोटिंग इधर उधर होती है। एक जैसे आपको एक बार एग्जाम्पल देता हूँ कि जिस पर आई थिंक 1980 में मेरे पास खाली 6 एमएलए के आधार पर हमने 45 वोट लेकर सुदेश सरवाली को राज्यसभा को चुनकर लाया था, 6 वोटों। ये हो सकता है जैसे रिश्ते आपके हैं इस पर ये इलेक्शन में कामयाबी मिलती है, ये डिफीट होता है। सुनने में आ रहा है कि जो सूरत गए विधायक, उन्होंने कहा है कि शिवसेना जो है वो एनसीपी और कांग्रेस का साथ छोड़े। ये जो आप कहते हैं मेरे कान पर ये बात आई है। उद्धव झाले की उद्धव ठाकरे जी ने उनके पार्टी की मीटिंग बुलाई है और वो आज सुबह बैठने अभी जो आफ्टरनून में बैठने वाले है, एक बैठने के बाद एक बार इनके इंटरनल डिस्कशन हो जाएगा तो हम इनसे बात करेंगे। आज ये इशू एनसीपी का इंटरनल इशू नहीं है, ये शिवसेना का इंटरनल इशू है। सर, मुंबई आप जा रहे हैं? जा रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री से मुलाकात है शाम को? सर, कब जाएंगे? सर, मुझे अभी मिले गए 2:30 बजे। मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात है? प्रेसिडेंट कैंडिडेट सिलेक्शन के बारे में आज जो हमने मीटिंग बुलाई है, ये मीटिंग खत्म होने के बाद आई एम गोइंग टू लावे। सर, आपको संकट मोचक कहा जाता है, खासतौर पर पिछली सरकार भी आपने बचाई थी, एकनाथ शिंदे से क्या आपकी कोई बातचीत हुई है या किसी विधायक से बातचीत हुई है जो सूरत में ठहरे हुए? मेरे किसी से बात नहीं हुई, तो कहा ठहरे ये भी मुझे मालूम। सर, आप कह रहे हैं कि ये शिवसेना का इंटरनल मैटर है लेकिन खतरे में सरकार है, तो आप क्या समझा जाए कि एनसीपी और शिवसेना साथ नहीं है इस संकट को लेकर, फिर कैसे होगा इसका समाधान? बिल्कुल, हम कांग्रेस एनसीपी शिवसेना हम तीनों ही साथ, मगर जब तक एग्जैक्टली क्या इशू है और कैसे रिजॉल्व करना, इसमें
शिवसेना की गाइडलाइन हमें मिलती नहीं तब तक इससे हम कुछ कदम उठाना ठीक है। एंड सर इफ गवर्नमेंट फॉल्स, सर इफ गवर्नमेंट फॉल्स आर यू ओपन टू गो विद बीजेपी सर, आर यू ओपन टू गो विद एनी अलायंस विद बीजेपी सर इफ गवर्नमेंट फॉल्स? पूरे संकट को लेकर शिवसेना की तरफ से कोई आपसे संपर्क नहीं किया गया है? ये दिक्कत आई है, उनके विधायक टूट के चले गए, भाग गए, तो आपसे बातचीत नहीं हुई है? आज वो दोपहर को हम मिलकर इसमें इन-डेप्थ स्टडी करेंगे और शाम को आप लोगों को बताएंगे, ऐसा हमें संदेश आया है। सर अगर गवर्नमेंट गिरती है या कुछ जो उथल पुथल चल रही है, क्या बीजेपी के साथ जा सकती है एनसीपी अगर कुछ खतरा होता है गवर्नमेंट गिरती है तो? कुछ तो सेंसिबल क्वेश्चन। सर अगर सरकार गिर जाएगी तो कहीं तो एनसीपी जाएगी, अपोजिशन में भी बैठ सकती है, बीजेपी के साथ नहीं जाएगी लेकिन। मिलने वाले हैं या कोई मुलाकात की बातचीत नहीं है? बताया हुआ टाइम, बात आज रात को उनको समय होगा तो शायद मिल सकते हैं, शायद, क्योंकि ये तय नहीं हुआ, मगर मुझे उन पार्टी के तरफ से कोई तो ग्राउंड लेवल सिचुएशन पक्की क्या है इसका ब्रीफिंग हमें मिलेगा और इसके ऊपर आगे की नीति तय करेंगे। साहेब शिवसेनेचे अनेक बंड तुम्ही बघितले असतील, यावेळेचं बंड मोठं आहे असं वाटतं, यावेळेचं बंड मोठं आहे असं वाटतं। అధికారాన్ని బీజేపీ దుర్వినియోగం చేస్తోందని ఫైర్ అయ్యారు మహారాష్ట్ర కాంగ్రెస్ నేత నానా పటోలే. నిజమే గెలుస్తుందని నమ్ముతున్నామన్నారు. ప్రజాస్వామ్యాన్ని బీజేపీ అపహాస్యం చేస్తోందని విమర్శించారు. ఎమ్మెల్యేలతో మాట్లాడుతున్నామని మహారాష్ట్ర కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత పృథ్వీరాజ్ చవాన్ చెప్పారు. ये बहुत चिंता का विषय है कि एक हमारे एक दलित नेता कार्यकर्ता जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने आलाकमान ने बहुत आग्रहपूर्ण प्रथम स्तर पर जो दिया था वोट, और हमें उम्मीद थी कि उनको कोई खतरा नहीं था, तो उनको काफ़ी शायद जो हम जानते हैं, मुझे पता नहीं क्या रणनीति तय की गई थी, लेकिन हम जानते हैं कि काफ़ी सारी फर्स्ट प्रेफरेंस की वोट उन्हें दी गई थी, लेकिन फिर भी हमने देखा कि उनको बहुत कम वोट मिले हैं, तो ये बहुत चिंता का विषय है और इससे बहुत गलत मैसेज जाता है, लेकिन हम अवश्य उस पर क्या कार्रवाई होगी या मीटिंग में अभी हम तय करेंगे। इसीलिए कांग्रेस विधायक दल की अभी बैठक, तुरंत बैठक बुलाई है, अभी थोड़ी देर में सारी चीज़ों पर बात। देखो भाजपा की जो राजनीति है, केंद्र की सत्ता का दुरुपयोग, केंद्र की तपास यंत्रणा का दुरुपयोग और सत्ता से पैसा और उसमें और सत्ता कैसे कमाना, यही उनकी रणनीति रही है। ये असत्य की तरफ भारतीय लोकतंत्र को लेके जा रही है और इसलिए सत्य की विजय होगी। थोड़ा सा रहता है धूप छाव, जो निसर्ग का नियम है उस तरह से परिस्थितियां रहती है, लेकिन ये धूप निकल जाएगी और सब अच्छा होगा। మహారాష్ట్రలో శివసేన కూటమి ప్రభుత్వంపై ప్రజలు ఎమ్మెల్యేలు తీవ్ర అసంతృప్తితో ఉన్నారని మహారాష్ట్ర మండల్లో బీజేపీ పక్షనేత ప్రవీణ్ దారేకర్ అన్నారు. మహారాష్ట్రలో బీజేపీ అతిపెద్ద పార్టీగా ఉందని గుర్తు చేశారు. మహావికాస్ అఘాడీ కూటమి అధికారం కోసం ప్రయత్నిస్తే తాము మహారాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం ఆలోచిస్తున్నామన్నారు. గత 2.5 ఏళ్లలో శివసేన కూటమి ప్రభుత్వం చేసిందేమీ లేదని విమర్శించారు. क्योंकि 2.5 साल में महाराष्ट्र का जो सरकार है महाविकास आघाड़ी का, वह जनता के हित में कुछ भी कर नहीं पाया। जनता असंतुष्ट है, यह जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले आमदार असंतुष्ट है और उसका नतीजा
आप देखेंगे कि राज्यसभा चुनाव में आया, हमारा तीसरा कैंडिडेट चुन के आया। उसके बाद में अभी विधान परिषद हुई, हमारे पास जीरो एक्सेस कोटा होते हुए भी हम लोग पांचवा कैंडिडेट चुन के लाया। इसका मतलब देवेंद्र जी की रणनीति तो है ही, महाराष्ट्र की जनता के मन में ये सरकार के प्रति असंतोष है, आमदारों के मन में नाराजी है और उसका प्रकटीकरण इस चुनाव के माध्यम से हुआ है। महाराष्ट्र अलग है तो महाराष्ट्र क्या उनकी जायदाद है क्या? हम कहाँ से आए? पाकिस्तान से आए हैं। महाराष्ट्र 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 में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, लोकप्रिय लीडर देवेंद्र फडणवीस है। तो महाराष्ट्र किसी के बाप की जागीरदारी नहीं है, हम भी महाराष्ट्र के, हमारा महाराष्ट्र है। और अढ़ाई साल में आप महाराष्ट्र की क्या बाट लगाई है महाराष्ट्र देख रहे हैं, तो दुरुस्त करने की जिम्मेदारी हमारी है। तो महाराष्ट्र की चिंता हमें है, आपको सत्ता की चिंता है। राष्ट्रपति అభ్యర్థిత్వంపై బీజేపీ వేగం పెంచింది. ఇప్పటికే జేపీ నడ్డాతో అమిత్ షా భేటీ అయ్యారు. ఇద్దరూ కలిసి ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడుతో సమావేశమయ్యారు. సాయంత్రం 7 గంటలకు బీజేపీ పార్లమెంటరీ పార్టీ సమావేశం జరగనుంది. అందులో రాష్ట్రపతి అభ్యర్థిని ఖరారు చేసే ఛాన్స్ ఉంది. మరోవైపు రాష్ట్రపతి అభ్యర్థిపై విపక్షాలు ఢిల్లీలో సమావేశమయ్యాయి. ఎన్సీపీ అధినేత శరద్ పవార్ నివాసంలో ఈ మీటింగ్ జరిగింది. మొత్తం 17 పార్టీలకు చెందిన ప్రతినిధులు ఈ సమావేశానికి హాజరయ్యారు. రాష్ట్రపతి రేసులో ఉండేందుకు పలు పార్టీల సీనియర్లు విముఖత చూపుతుండటంతో ఏకాభిప్రాయం కోసం శరద్ పవార్ ప్రయత్నిస్తున్నారు. లేటెస్ట్ గా యశ్వంత్ సిన్హా పేరు తెరపైకి వచ్చింది. ఇందుకు తగ్గట్లే యశ్వంత్ సిన్హా ట్వీట్ చేశారు. తృణమూల్ కాంగ్రెస్ కు రాజీనామా చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. మమతా బెనర్జీకి ధన్యవాదాలు తెలిపారు. విపక్షాల ఐక్యత కోసం పనిచేయాల్సిన సమయం వచ్చిందని ట్వీట్ చేశారు.